ओके जी, तो आज हम लोग कोई भी मेकअप वीडियो शेयर नहीं करेंगे। मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही जबरदस्त व्हाइटनिंग स्प्रे। तो वीडियो का आप लोगों ने कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। अगर आप लोगों को सन टैन हो गया है, एक्ने मार्क्स हैं, स्किन बहुत ज्यादा डल हो रही है, तो आप लोग बस समझ लें कि आपकी बहन के हाथ लग गया है एक जादुई नुस्खा जो रातों रात काम करेगा और विदाउट किसी मरकरी, विदाउट किसी साइड इफेक्ट के आपके रंग को निखार। तो चलिए जनाब वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर एक कॉमेंट आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहन आप गुस्सा ना करना, आप सिर्फ हिजाब का मजाक कर रही है, ये हिजाब नहीं है। क्यों ऐसे करती हैं? सिर्फ 50% फेस छुपाकर आप समझते हैं कि पर्दा हो रहा है। 50% फेस, ठीक है, ये मैंने छुपा लिया, ये छुपा लिया, तो ये 50% मतलब 100% फेस छुपाऊं, ठीक है, 100% छुपाना। अब सही है, अब सही है। सॉरी यार, मैं मुझे हंसी आ गई है। यार मेरी बात सुनिए, जब भी आप कभी घर से बाहर जाती हैं तो हम इसी तरह का नकाब करके बाहर जाते हैं। वो अलग बात है कि अभी थोड़ा सा 1 वीक से मैंने मास्क स्टार्ट यूज़ करना स्टार्ट किया है। मेन रीज़न ये है कि इससे मुझे सांस लेने में बहुत ईजी रहता है। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोज़ देखते होगे तो आपको पता होगा कि मुझे कितना ज़्यादा हेल्थ इशू है सांस का, जब से मेरा छोटू जो हुआ था। तो लेकिन ये नकाब में ही आता है यार। अगर आप देखो मेरा मुँह छुपा ही हुआ है, और मैं बल्कि आप लोग उल्टा सपोर्ट करने की बजाय, पॉजिटिव थॉट्स की बजाय, इस तरह के पॉइंट्स पता नहीं किधर किधर से निकाल के लेकर आते हो। कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख लो, जो लड़कियाँ डायरेक्ट जीन्स से या बालों से स्टार्ट करती हैं खुले बालों के साथ, वो ठीक है, वो ओके है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी पर्दा किया नहीं था। उन्हीं को सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं कि वो शुरू से ही ऐसी आ रही हैं। अब हमारा मेरा मसला ये हो गया कि मैं शुरू से ही एक निकाबी लड़की थी, लेकिन मुझे काम करना था और कोई ना कोई काम करना था, तो मैंने ये वाली लाइन चूज़ की है। ये एज अ प्रोफेशनल आप कह सकते हैं, एज अ पैशन कह सकते हैं, एज अ जॉब कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हम जो ये वीडियोज़ मेरे अलावा और भी, मतलब एक जीन्स वाली लड़की आप कह लो, एक पर्दे वाली लड़की कह लो, एक दुपट्टे वाली लड़की कह लो, कोई भी लड़की कह लो, वो जो ये वीडियो बनाती है ना, अपने काम के लिए बनाती है, ठीक है। कोई वेले तो है नहीं, हम सारे घर से बैठे हुए, ठीक है, सबके घर में काम होते हैं ना, जैसे दुनिया में और जॉब्स हैं वैसे ही ये एक जॉब है, ठीक है। तो अब मेरी ये जॉब है तो मैं फिर ऐसे ही करूंगी, ठीक है। लेकिन एक और कमेंट अरूज मसूद लिखती हैं, ज़ैनब आपकी सारी वीडियो गर्ल्स और लेडीज़ देखती हैं। सो आने दुरुस्त बात है, क्योंकि मेरा कंटेंट ही ऐसा होता है। आपको निकाब की क्या ज़रूरत? मेरे ख्याल से आप निकाब छोड़ दें, आपका ख्याल बहुत अच्छा है, अच्छा है, बुरा नहीं है, ठीक है। फिर देखें व्यूज़, ये तो मैं भी सोचती हूँ, ये तो हर रोज़ ही मैं भी सोचती हूँ। जिस दिन मैंने नकाब छोड़ा उसी दिन मेरे व्यूज़ शायद आए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मेरा ये दिल है, मैं इसलिए नकाब को ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैंने अगर नकाब कर लिया, नकाब से वीडियो, कि मैं मोटिवेट करूँ। इस दुनिया में बहुत सारी निकाबी लड़कियाँ हैं, हिजाबी लड़कियाँ हैं, ये ना हो कि अगर मैं भी नकाब छोड़ दूँ तो सारे दिल छोड़ के बैठ जाएंगे, यार हम नकाब करते हैं, हम तो कोई काम कर नहीं सकते। आप एक डॉक्टर की मिसाल ले लें, अगर वो नकाब करती हैं तो वो मेल स्टाफ के अंदर रहते हुए भी अपनी ड्यूटी पूरी करती हैं, क्योंकि वो नकाब करती हैं। वो सोचें यार ये तो मैं मेल्स के अंदर बैठी हुई हूँ, रात के टाइम ड्यूटी कर रही हूँ, तो नकाब छोड़ देती हूँ, घर से तो मैं निकल आई हूँ। मेल्स पता है आपको हॉस्पिटल में कितना स्टाफ होता है, लेकिन आपने कभी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं वो डॉक्टर्स जो इतनी गर्मी में इतने ज्यादा स्टाफ के अंदर लेकिन अपना पर्दा नहीं छोड़। लेकिन मैं तो मोटिवेट कर रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, लेकिन अब आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है कि हम निकाबी लड़की को भी ऐसे ही सपोर्ट करेंगे जैसे हम एक जीन्स वाली को या बगैर दुपट्टे वाली को करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन मेरी ना खत्म हो, ठीक है। मेरी मोटिवेशन आप सब हैं, और आप सब निकाबी जो लड़कियां या दूसरी या कोई भी लड़कियां जो हैं इस दुनिया में, उन सब की मोटिवेशन मैं हूं, इसलिए आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूं कि काम करना ना में कोई जिल्लत नहीं है, ठीक है। काम करने में ही आपकी इज्जत है। मर्द हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, मेहनत में अल्लाह ताला ने फल रखा है। आप लोग मेरी आज एक बात पल्ले से बांध लो, आप कोई लड़के हो, अच्छा जब ना टीनएजर्स होते हैं ना, जो स्पेशली उन, मेरा ये पैगाम मैसेज उन लोगों के लिए जो लड़के लड़कियां बड़े हो रहे हैं, ठीक है, अभी आपकी पढ़ाइयाँ कंप्लीट होंगी, उसके बाद लगता है जी मम्मी डैडी लाइफ है, कोई मसला नहीं, जिंदगी में बहुत टेंशन है, और ये सारी टेंशनें खत्म होनी है काम करने से। तो अपने आपको काम करने की आदत डालो, मेहनत करने की आदत डालो। अगर आप लोग मेहनत करना जानते हो ना, तो सब फल अल्लाह ताला ने देना है। आज की वीडियो है एक बहुत ही जबरदस्त, और जवाब पता नहीं किस तरफ रही है, गल्लों को यहीं पे खत्म करते हैं और हम वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से। जी हम अब शुरू कर लेते हैं अपना वीडियो। यहाँ पर आपको कुछ प्रोडक्ट्स नजर आ रहे होंगे, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो 100% या तो आपके घर में अवेलेबल होंगे, नहीं तो मार्केट से बहुत ही अफोर्डेबल मिल जाएंगे, ठीक है, कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इसमें नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो का कोई पार्ट मिस नहीं करना, क्योंकि बहुत ही ईजी पीजी सा है। एक स्प्रे बॉटल ले लेनी है, ये बहुत ही ईजी 20-30 की मार्केट में मिल जाती है। $1 शॉप्स आजकल हर सिटी में ही ईजिली हैं, नहीं तो आप किसी भी मार्ट से ले सकते हो, ठीक है। आपने एक खाली स्प्रे बॉटल ले लेनी है, इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। सिर्फ पहला इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है ये तिब्बत स्नो क्रीम। एक तो बहुत ही अफोर्डेबल है, बचपन से हमने अपनी दादी नानी के कमरों में ये देखी है। इस क्रीम को आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने, आप लोग इसको 1 मंथ के लिए रेडी कर सकते हैं। ओके जी, आप देख सकते हैं कि 2 टेबलस्पून जो है तिब्बत स्नो क्रीम के मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं स्प्रे में। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास फेयर एंड ग्लो एंड लवली। इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया है, फेयर एंड लवली इज नाउ ग्लो एंड लवली। आपने ओरिजिनल लेनी है, क्योंकि इसमें भी इसका फेक मार्केट में आ जाता है। तो इसका मैं ये ट्यूब ऐड करूंगी इसमें, ठीक है। इसका तकरीबन जितनी हमने बराबर क्वांटिटी में ले लेनी है। ओके जी, तो नेक्स्ट आप लोगों ने ले लेना है ये व्हाइटनिंग कैप्सूल है, मार्केट से 10 रुपए का मिल जाता है, ठीक है।
आपने इसको प्रिक करना है और ये हम इसमें पूरा एक ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आपको किसी भी मेकअप स्टोर से इजीली मिल जाएगा। हमने इसमें ऐड करनी है एलोवेरा जेल का एक टेबलस्पून और ये भी आराम से मार्केट से मिल जाता है, ठीक है। घर वाली हम इसलिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उसके खराब होने के ज्यादा जल्दी खर्चे हैं, इससे थोड़ा सा ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तकरीबन 1 टेबलस्पून ही हम लोगों ने एलोवेरा जेल भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बहुत ही लाइट, आप लोगों ने जो है ऑयल ले लेना है अपने स्किन पे जो आपका सूट करता हो, कोई भी आपके पास सीरम हो, नहीं तो कोकोनट ऑयल भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन लाइट वेट आप लोगों ने लेना है। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ वाइब्रेंस का बल्गेरियन रोज ऑयल मॉइस्चराइजर है, बहुत ही लाइट वेट ऑयल है। इसके 3 से 4 ड्रॉप जो है मैं ये ऐड करने वाली हूँ इसमें, ठीक है। 1, 2, 3 और ये हो गए 4, बस इतने से ही ऐड करूंगी, ठीक है। अब एंड पे हम लोगों ने इस अपने जो बोतल है इसके तकरीबन 7 से 8 चम्मच रोज वाटर के ऐड करने हैं। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ब्यूटी ग्लैम का ये ऑर्गेनिक रोज वाटर है, बहुत ही जबरदस्त है, आप किसी भी ब्रांड का रोज वाटर ले सकते हैं, ठीक है। तो 7 से 8 चम्मच कह सकते हैं, ये अपने बोतल को फिल कर लेना है रोज वाटर से। अब इसको हम बंद करके अच्छे से आप लोगों ने इसको एक शेक दे लेना है, अच्छे से इसको शेक करना है, ठीक है। ओके जी, तो शेक करने के बाद इसकी फाइनल लुक जो है कुछ इस तरह से आपको व्हाइट लिक्विड फॉर्म में नजर आ रहा होगा, ठीक है। आपने शेक अच्छे से करना है, कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। तो ये यूज करने में बहुत ही ईजी है, क्या अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं सब के सब एक फुल पैक दमाक है हमारी स्किन के लिए, सब बहुत बेनिफिशियल है। आप लोगों ने मेरे कहने पे अभी उठो और अभी इसको बना लो, और अभी मैं इसको टेस्ट करके आपको अपने हाथों पर दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट कितना ही जबरदस्त है। और इसका डेली बेसिस 1 वीक तक आप डेली बेस पे यूज कर लो, आपके स्किन पे जो छाइयां हैं, फ्रेकल्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं, देखना वो कैसे चुटकियों में खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे से तो सबर नहीं हो रहा कि मैं इसको जल्दी से यूज करूँ। ये देखिए, ओह माय गॉड, मेरे मुंह पे आ गया ये। इसको आप लोगों ने इस तरह से अपने स्किन पे अप्लाई कर देना, ठीक है। ये देखें, इस तरह से ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड और रनी फॉर्म में। तो हमने इसको हल्के हाथ से जज्ब कर लेना अपनी स्किन में, और ये बहुत अच्छे तरीके से जज्ब हो रहा है। ओह माय गॉड, हम इसे नाइट क्रीम में भी यूज कर सकते हैं, एज अ नाइट क्रीम के, डे क्रीम में, एज अ मॉइस्चराइजर के। ये देखिए जी, मसाज करते करते कैसे ये वैनिश हो गया, और इसके आप रिजल्ट्स देखिए मेरे दोनों हाथों में कितना विजिबल है, और एकदम से स्मूथ मुलायम, क्या फीलिंग आ रही है, और बहुत ज्यादा फर्क आ गया यार। कैमरे पे तो एक्चुअली लाइट है बहुत ज्यादा, आप मेरी ये वाली स्किन गौर से देखें और मेरे ये वाले हाथ के देखें। ओ माय गॉड, आप लोगों ने मुझे कहना है ज़ैनब तुम कहाँ थी इतने अरसे से, पहले क्यों नहीं हमारे साथ शेयर किया, लगा लो मेरे से सब्र नहीं हो रहा। तो आप लोगों ने इसको डेट टाइम पे भी यूज कर सकते हैं, जो टीनेजर लड़के लड़कियां ना स्पेशली जो सन टैन के लिए बाहर आते जाते हैं तो वो भी इसको जरूर यूज करें। जैसे स्कूल आजकल खुल चुके हैं, कॉलेजेस खुल चुके हैं, और आप लोगों को पता है कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो एक ही टाइम पे हम ये सारा, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बारी 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 सारी चीज़ें मुंह पे लगाएं, तो इतना टाइम ही नहीं होता। आप लोगों ने क्या करना है कि उससे बेहतर ये वाला लिक्विड फ्लूड बना लें, और ये बहुत ही अच्छा मैजिकल वाइटनिंग सीरम है, एक वो कास्ट भी नहीं आपको देगा, वाइट सी कास्ट, और क्या फ्रेश लुक देने वाला। ओह माय गॉड, ओके जी, तो कमेंट करके आप लोगों ने बताना है कि अगर आप इसे बनाकर यूज़ करती हो तो इसके रिजल्ट्स आप लोगों को कैसे मिले हैं, और मेरा ये आप लोगों को DIY ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप लोगों ने लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करना है। और मज़ीद आप लोगों को DIY चाहिए, हेल्पफुल ईजी पीजी से रेमेडीज चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।